गवाह होता है, क्योंकि उसने पैर और मालिक बना लेकिन शक्ति हो चुका है, इस करके उन्हें बंधन की परवाह नहीं है। लेकिन वो अपनी ड्यूटी कर रहा है सूक्ष्म लोग जितने जितने उन्होंने जितने जितने कृपा होनी है उन्होंने अपने आप खींच लिया है अपने को। बार कोई बोल नहीं लगाता, लाउड स्पीकर नहीं लगाता, किसी ने दसता नहीं कि मैं सत्संग करता हूँ, वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली नेचर वर्क करती है, वो अपने आप सदगुरु को पेड़ आते पेड़ में अंदर ही मजान बना दिया। इस करके सत्संग एक महान तीर्थ है जितने की हमें ज्ञान मिलता है। हाँ, पहली लाइन पढ़ के फिर दूसरी लाइन शुरू करें। कर मन मेरे अनजने जाग जाग हरी चेत, अपनी खेती रख ले पूजन पड़ेगी खेत। हे बाबू मन देर हो देखो जिन्हें जमींदार ने बदल ने कंका पकड़िया ने तो किन्नी संभाल करनी पड़ती है, पक्षी आगे ना खा ले, कीड़े ना खा जाए, या तरह तरह के स्प्रे करते रहते कि कनक ठीक रहे, चावल ठीक रहे, गन्ना ठीक रहे, छड़िया ठीक रहे, ये सारी क्यों कर रहे कि फसल को चंगी होगी तो सामने नगद लड़ाई बहुत ज्यादा मिलेगा, कारण पेट करके खाना हो। इस तरह ही सदे जो अपने जीव सत्संगी ने या जो नहीं सत्संगी उन्होंने खेती की है, जो ऐसे कर्म बीजते कर्म बीजते थे, तरह तरह के कर्म बीज रहे हैं और एक कर्म नहीं बीज रहे, ऐसी गन्ने चाहे तो कर्म बीज रहे हैं जाने और अनजाने, और कर्म भी कितने ले कोई सूक्ष्म है कोई स्थूल है कोई कारण है, किसी ने कुछ नहीं चलते मानने की कितनी पिटाई करनी है किसी के विरुद्ध तो भी कर्म है, किसी का पला सोची जाने आए तो उसका तो पला करिए वो भी कर्म है, अशुभ कर्म है। जो खिचड़ी पकाने को किसी का सत्यानाश करना है उदायत करना है वो करना है ये अशुभ कर्म है। वर्तमान कर्म जेड़े असी करते पे हाँ सोचते पे हाँ अंदरों अंदर उसमें फिर प्रैक्टिकल भी कर लगे उसमें यानी अपने हाथों नाल करने भी शुरू कर देंगे। मेरा दिल करता सियाना आदमी है मुंह देते मैं मुक्का मार ये सोची जा रहे तुझे अंदर कोई कारण नहीं है बस पढ़ रहे अंदर जा रहे कि मैं इसने मुंह देते मुक्का मारा मैं वो कर्म नहीं है सूक्ष्म। फिर तुम दूसरे वाले पहुंच के अगर कोई सच्ची मुची मुक्का मार रहा है वो पक्का परमानेंट एक क्राइम कर लिया एक ऑफेंस कर लिया, तुझे क्या उसका फल नहीं मिलेगा तुम या मन किसी मिलेगा। इस तरह ही ये वर्तमान के कर्म साढ़े तेरी संबंध है साढ़ा फ्यूचर बन गए। अगर सामने मालिक देंदा है और असी कुछ कुछ आप खाने कुछ देने किसी ने मालिक खुश है तो कहता लै होर देना मैं तो मैं तो होर होता। अगर मैं देंदा नहीं अपना ही सामने के रखता हाँ तो मालिक ने तुम तो लोड़ नहीं तू तो अगे मेरे दे रहे पैसे वो एक गलत कर्म है वो मिस यूज करते पे असी मालिक की दयालता। इस तरह सा वर्तमान की जी सोच है वही सभी भविष्य बनती है वह सा फ्यूचर बनती है। वह कहने लोग तेरे खेतों च पक्षी आ जाएंगे तो सारी खेती खा जाएंगे, कुंजा आ जाएंगिया तो सारे दाने लाके लै जाएंगे, तो कहेगा हाँ मेरे तो खेत च कनक ही नहीं लगी चाहिए जो तुम ऐसी कनक सेवा नहीं की बंदार की थोड़े थोड़े दिन क्योंकि पता लग गया कि खेती बड़ी हो। इस तरीके इंसान जो है
ये मेरे कर्म बीज का जवाब तेरे मान और संचित कर्म के भंडार इतना है, इतना संचित कर्मा का भंडार है कि एक जन्म चाहिए खत्म होगा, कई जन्मा ने चार जन्म भी ले गए तो खत्म नहीं होगा, और जो बंद भी नहीं करता वो फिर 84 दिन मेरे की क्या होगा। मालिक कहता है ये मेरे को अपने इंद्रिया के नाल जो कर्म बीज का जो है मन के कहने के उत्ते आके ये मेरे में समझ जा कुंड पड़ेगी खेत बिछले काल आ गए तेरे सिर पे सब कुछ पत्ता मार के तेरा ला जाएगा और तू कुछ नहीं कर सकेगा, तेरा स्वास्थ्य खत्म हो गए, जम पटन तो तेन ला जाएंगे और तेरा लेखा जोखा सारा होएगा, उसके मुताबिक ही तेन अगला शरीर मिलेगा, जन्म मिलेगा चाहे मनुष्य का तो चाहे उसके थले मिल जाए। ये सतपुरुष दरबार साहब की बाणी में ग्रंथ साहब दी अमृतसर तो मैं बाणी सुनती हुई सी लाइव कास्ट होता है सब टेलीकास्ट होता है तो मैं मेरी एक बाणी बड़ी अच्छी लगी, मैं उस वे कापी पेंसिल ला ला के लिख भी गई नाले नाल लिख दी गई नाले नाल लिख दी वो तो अब मैं सुना रही हूँ कि कितनी अच्छी बाणी है। संतान ने संतान की कोई जात नहीं हुई गई, क्या सिख होवे चाहे ईसाई होवे चाहे सूफी संत होवे, उन्हें सब का एक उपदेश है, यूनिवर्सल उपदेश है उन्हों का कि कर्म अच्छे कर, सतगुरु की शरण के विच जा, उन्हें ते तां ही सिख कि किवें उस मालक नूं मिलना है, किवें बंदगी करनी है। चल अपने खेती रख मैं कुमते परे अपने जो कर्म मनुष्य दो ही दिन मिली है इस शुभ कर्म कर और उस मालक का सिमरन कर कदम कर, नहीं तो सब कुछ तेरा खत्म हो जाएगा, फिर तू 84 के पेड़ आएगा। अमरदास जी देखो कितने बरस तीर्थ यात्राएं जाते रहे क्योंकि उन्होंने उस वक्त गुरु नहीं सिल गया, लेकिन जब उन्होंने अपने ही घर के गुरु मिल गए अंग साहब तो युक्ति उन्होंने सतगुरु ने दी, सतगुरु ने जब युक्ति दी तो उन्होंने कदम करना आया और फिर तीर्थ भी और देवी देवतियों ने कोई जाना नहीं उन्होंने छुट गया, तो उन्होंने तीन एक बार का उन्होंने तो बुरा मास्टर को बैठा आंदा नहीं तो तू उस मालिक का रब अपने आप पर लंबा है जेड कि इतना सूक्ष्म और इतना गुप्त और इतना गहरा है और तू उसका परमार्थ अगर कमान का तेन शौक है तो तू किसी सतगुरु में मिल, सतगुरु जो उस मालिक की शक्ति में मिलकर एक रूप हो चुका है, क्योंकि हरि और शांति च कोई फर्क नहीं है, हरि निर्गुण पावर है जिसमें हरि कहते हैं निर्गुण वाले कहते हैं जेड़े की शरीर तो बिना हो गए और जब वो शक्ति शरीर लगे आती है तो वो सदगुरु कहलाती है, सरगुण कहलाती है, तू सरगुण सदगुरु में मिल, जीवन सदगुण में मिल, वो तेन ही दसेगा तेरा जो सत्संग सुन ज्ञान विराग तेरे अंदर आएगा, फिर विवेक जागेगा, फिर तू सदगुरु में कहेगा मेनू नाम दे मेनु अंदर का राह दसो कि किस तरह उस मालिक मिलना है, वो किद को मिलेगा जीवित सदगुरु को जब की सरल सुरत शरद योगी पुरुष है जिसमें की तत्व ज्ञान है जिसमें की आत्म भेद है वो ही दस सकता है कि मालिक के मिलन का रास्ता अंदर ही है बाहर नहीं है, सब कुछ है वर्तमान बाहर नहीं, बाहर ढूंढे से भलम भर मेरा बाहर घूमता पिया परमाच फंसता पिया सतगुरु का सतपुरुष कहने रहे जब सतगुरु के दरबार में तू जाएगा जिन्नी देर को कहे उसकी रहमत नहीं होगी उसका वक्त तो नहीं आता, उन्नी देर तक परमात्मा दे सतगुरु के रूप जीवे तो किस तरह मिल जाए।